तुम्हारा नाम क्या है? प्रभात चंद। कहाँ रहते हो? पटना में। फोटोग्राफी कब से कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से, 3 वर्ष के थे उसी समय से ना। अरे कैमरा का कौन कौन सा पार्ट है जरा बता दो तो, क्या क्या पार्ट है कैमरे का? कौन सा कैमरा पार्ट का क्या नाम है जरा बता दो। इसका नाम है 50mm। बता दीजिए क्या क्या है, कौन सा पार्ट से क्या कर क्या काम होता है। आपको कलर चेंज करना होगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर होगा। अगर आप ऐसे 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 करके रहेगा तो आप इसको एडिट करिए। ये ओके। इसके बाद आपका ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। कलर के लिए क्या करेंगे? कलर के लिए जैसे हम लोग गए ऐसे ऐसे, अगर आपको ब्लर में चाहिए तो यहाँ पे भी मोड पे गए और ये वाला क्लिक किए ओके, और उसके बाद ब्लर आ गया। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत सिंह से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपका सुपुत्र जो है वो जीनियस बच्चा है, राजधानी पटना का, केवल राजधानी पटना ही नहीं कही इंडिया का एक जीनियस बच्चा है। अपना परिचय दे देंगे आप? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ जी। आपका जो सुपुत्र है उसके बारे में दर्शक जो है कुछ जानना चाहते हैं, जरा बताएंगे। हाँ, ये मतलब बचपन से ही इसको फोटोग्राफी का शौक था और जब ये मतलब जब घर में कैमरा खरीदा गया तो उसी में मतलब 2 साल का अभी नहीं था वो, तो मैंने डरते हुए कैमरा दिया था इसको कि कहीं ये गिरा ना जाए, चाहे गिर ना जाए। और आज की डेट में ये कैमरा के साथ खेलता है और इसे कोई भी ब्रांड का कैमरा हो, चाहे हैवी से हैवी वजनदार कैमरा भी ये उठा के उससे फोटो क्लिक करता है और मतलब कुछ भी कैमरा लेंस कुछ भी ये बढ़िया से हैंडल कर लेता है। और ये 3 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रहा है। कला मंगल में भी ये फोटोग्राफी कर रहा था, उसके बारे में जरा दर्शक जानना चाहते हैं, बताएंगे। हाँ, वहाँ पे शैलेंद्र जी है कि उनका जो सीनियर फोटोग्राफर है पटना के, उनकी फोटो प्रदर्शनी लगी हुई थी, एकल प्रदर्शनी थी। एकल प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो मैं इसको मतलब वैसे जगहों पे ले जाता हूँ जहाँ पे कुछ देखने को मिले, तो फोटो एग्जीबिशन में तो पटना में अगर कहीं लगता है तो मैं जरूर लेके जाता हूँ, कम से कम वहाँ का देखें कैसे फोटो खींचा हुआ क्या खींचा हुआ है। तो वहाँ पे इसको लेके गए थे और वहाँ पर इसने खूब मतलब वहाँ का माहौल देखे इसको बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे फोटोग्राफी भी किया और अपना वहाँ इंजॉय भी किया वहाँ पे। और मतलब इतनी छोटे बच्चे में इतनी समझ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके हाथ में जो कैमरा देते हैं आप, कीमती कैमरा, क्योंकि हम लोग भी जो कैमरा छूते हैं तो डर लगता है कहीं कोई बटन दब ना जाए या गड़बड़ ना हो जाए और ठीक करा लो 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो क्या आपको कभी डर भी लगा है कैमरा देने पर इसको, और ये ऑपरेट ये चलाएगा और यूज करेगा तो फिर कहीं कोई गलत बटन दब ना जाए या कुछ ऐसा? नहीं सर, वैसा मतलब क्या है ना कि देखिए वो मतलब जो भी, चूंकि हम खुद कैमरा ऑपरेट करते हैं और कुछ भी मतलब बेसिक नॉलेज तो है कैमरे के बारे में, तो मतलब उतना तो मतलब है कि कुछ भी अगर बच्चा से बिगड़ेगा तो हम ठीक कर लेंगे। और बाकी का गिरने का इसका कॉन्फिडेंस मतलब इसका इतना कॉन्फिडेंस है कि कभी भी कैमरे को हाथ से गिरने नहीं दिया। और कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो कैनन हो, निकॉन हो, सोनी हो, फूजी हो या फिर लूमिक्स हो, सारे कंपनी का जो भी आपका ये शोरूम है उस शोरूम में अगर ये जाता है तो इसको कैमरा छूने से मना नहीं किया जाता है। और कंपनी खुद अपने महंगे से महंगे कैमरे इसको देती है कि लो तुम इससे फोटो क्लिक करो, कि कंपनी के जब इस बच्चे पे विश्वास है तो मेरा तो विश्वास रहेगा ही रहेगा ना। तो ये कोई भी ब्रांड का कैमरा हो उसे ये उसको ऑन कर करके उसका यूज कर मतलब फोटो खींच लेता है? हाँ, यस यस, यानी मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग कैमरा खरीद के ऑफ ऑन बटन खोजते हैं। हाँ। और इसका ये है ना कि मतलब ये बाय बर्थ है या भगवान का देन कही है, ये ऑन ऑफ बटन खुद से वो ऑन करता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑन ऑफ बटन यहाँ पे है आप इसको क्लिक कीजिए चाहे ऐसे होगा। यानी कैमरा अगर रखा भी हुआ है ना तो इसको बताएं गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो उठाएगा खुद से क्लिक करेगा और क्लिक करके वापस वहीं पर रख देगा। ऐसा कहा जाए बाय बर्थ ये फोटोग्राफर है।